अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल ए के एन सन्स जॉब कंसल्टेंसी पे। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप जान सकेंगे हमारे पास कौन सी नई वीडियो आई है। ठीक है दोस्त, चलिए आज बात करेंगे, थोड़ी अच्छी बातें हैं जिससे आपको नॉलेज मिलेगा कि विदेश में हम जाने से पहले क्या करना चाहिए। आपको बहुत से ऐसे बंदे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, जो जा चुके हैं तो उनको एक्सपीरियंस है, जो जाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह से अपने आपको रेडी करना है, ये 10 बातें के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे जो पहला बात है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब पासपोर्ट होने के लिए आपका एज क्या है वो देखना है आपको। एज कोई भी रहे आप बना सकते हैं, मसला नहीं है। अगर आप विदेश ही जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेंथ में हैं, इलेवेंथ में हैं, ट्वेल्थ में हैं, या पढ़ाई नहीं कर रहे, काम ही कर रहे हैं, तो आपको विदेश जाना है उसके बारे में सोच लिए तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए। तो आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट का प्रोसेस करें, पासपोर्ट बनाएं। पासपोर्ट का बहुत सारा तरीका हो गया, एकदम आसान है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू क्या, तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, फोटो लेके फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपका पासपोर्ट का प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप फ़ोन पर आपको अपडेट देते रहेंगे कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, किधर है, किस प्रोसेस में है, कब तक मिलेगा। तो ये हो गया पासपोर्ट का सबसे पहला चीज़, पासपोर्ट। नंबर दूसरा, आपको चाहिए वीज़ा। किस जॉब जहाँ जाना चाहते हैं, चाहे विजिट पे जाना चाहते हैं या घूम ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं या आप कहीं भी जाना चाहते हैं काम में जाने, तो आपके पर्टिकुलर एक वीज़ा चाहिए। मैक्सिमम कोशिश कीजिए आपकी वर्क वीज़ा में जाए, ठीक। अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वर्क वीज़ा में जाए। दुबई में बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें बहुत आदमी सक्सेस नहीं है। वो क्यों सक्सेस नहीं है मैं आपको इसी 10 बातों के बीच में आपको बताऊँगा। तो पहला चाहिए आपको वीज़ा, वर्क वीज़ा होना चाहिए जो अगर आप वर्क पे जा रहे हैं। तीसरा है डॉक्यूमेंट्स। अभी पासपोर्ट तो हो गया आपका, वीज़ा भी हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स में क्या है भाई? तो डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स ऐसा है मसला कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हो या MD के लिए अप्लाई कर रहे हैं या HR मैनेजर के लिए, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई, तो आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका हो गया पासपोर्ट, वीज़ा और आपका अपना डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका CV, पासपोर्ट कॉपी, फ्रंट एंड बैक पेज और ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सब चीज़ अच्छा प्रिपेयर कीजिए। CV आपको किस तरह से बनाना है, अगर आप कोई बंदा CV नहीं बना सकता है, बनाना जानता है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम उनको उनका डिटेल आप मुझे ईमेल पर भेज देंगे तो आपको हम CV अच्छा से अच्छा बना के भेज सकते हैं जैसा आपको CV चाहिए। तो एक CV होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेस क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं उसको, नॉट पढ़ा लिखा नहीं बोलते, लेस क्वालिफिकेशन, उतनी जानकारी नहीं है, उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम दुकान में जाएंगे बनाएंगे और कोई एक बंदा आपको बना के दे देता है। तो इस तरह की जो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे दे नहीं दे रहा हूँ मैं, ईमेल आईडी पे आप दे दें, अपना डिटेल्स भेज दें। ईमेल तो आजकल सब चलाने जानते हैं क्योंकि बिना जीमेल अकाउंट के आपका कोई भी मोबाइल खुलता नहीं आज के दौर में, चाहे वो लेस पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और सबको अच्छा जानकारी है इसके बारे में। चौथा चीज़ क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर, खुद के अंदर आपको होना चाहिए कि आप हमको जाना है सेल्फ फोन में। दूसरे पे भरोसा मत कीजिए, कोई फ्रेंड है उसे भरोसा मत कीजिए, कोई भाई है उस पर भरोसा, इवन भाई तक भी भरोसा मत कीजिए आप। अगर आप कोई भाई को रिक्वेस्ट करेंगे, मैं एग्जांपल आजकल का जो माहौल है, ठीक है, आपका चचेरा भाई है या मेरा भाई है, कोई रिश्तेदार है, आप उसको रिक्वायरमेंट करेंगे कि भाई मेरे लिए कोई जॉब देख लो विदेश में, तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलेगा वो, विदेश में काम करना इतना आसान नहीं है। तुम लोग समझते हो वहाँ से बैठ के विदेश में काम करना बहुत आसान है। सही बात है, विदेश में काम करना आसान नहीं है, लेकिन किसी को
नर्वस करना भी अच्छी बात नहीं है, उनको गाइड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जो मैं बताया, ये इसीलिए बताया कि आप किसी पर भरोसा मत करें, अपने रिश्तेदार पे नहीं, किसी आपके खुद के ऊपर दम में जाना चाहिए। खुद के दम के मतलब है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद होना चाहिए कि हम जो जाएंगे तो हमको खुद काम करना है, हमको खुद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, अगर हम कोई कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे तो उसका सर्विस चार्ज खुद हमको देना है। तो ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि हमको खुद करना है। आप खुद से विजिट करें, खुद से इंटरव्यू फेस करें, खुद से जॉब का डॉक्यूमेंट सबमिट करें, खुद से आना जाना करें, खुद हर चीज़ खुद से करें, तो आपको ये है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कर देगा, हेल्प कर देगा, तो आज के दौर में कोई हेल्प नहीं करता भाई, सब आदमी अपने अपने में बिजी है। छठा, बी प्रिपेयर। बी प्रिपेयर का क्या है कि भैया सेल्फ डिफेंस तो हो गया, अब बी प्रिपेयर क्या है? बी प्रिपेयर ये आपको, इसमें तीन बातें आती है, मैं आने वाले इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। पहला चीज़ प्रिपरेशन क्या है आपको, कि आप कौन से कंट्री जा रहे हैं, उस कंट्री के हिसाब से आपको पैकेज करना है। जैसे अगर आप ठंडी वाली कंट्री जा रहे हैं तो आपको ठंडा कपड़ा वगैरह सब लेके जाना है, आपके पास हर वो चीज़ मौजूदा हो जो आपको वहाँ पे जाने पे ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सके, वहाँ से ख़रीदना ना पड़े। अगर आप यहाँ इंडिया से लेके जाएंगे तो आपको कम पैसे में हो जाएगा, और वहाँ से आप जाके ख़रीदेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और जबकि आप न्यू हैं, आपको नॉलेज भी नहीं है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जा रहे हैं, खुद के भरोसे पे जा रहे हैं, तो खुद से प्रिपेयर होकर पहले जाए तो अच्छा है। ये हो गया प्रिपेयरिंग का। और इसमें आपको सबसे जो सातवां बात बताना है, मेडिकल फिट होना चाहिए। अगर वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो मेडिकल फिट, आप ये सारी चीज़ें करने से पहले, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उससे जब आप देख रहे हैं कि आप मेडिकल कराने जाएंगे, जब आपको बोलेगा इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू मेडिकल, तो उससे पहले ही आपको अपना मेडिकल करा के रखना है। जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आपको जॉब के लिए कर रहे हैं, तो मेडिकल एक नॉर्मल मेडिकल करा लें, जिससे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आप फिट हैं या आपके अंदर कुछ बीमारी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि छोटी मोटी हर बीमारी रहती है तो वो लोग दबा देते हैं, आपका टाइम आगे पीछे हो जाएगा। इससे अच्छा जॉब अप्लाई करने से पहले या जॉब के प्रोसेस में ही अपना मेडिकल खुद से करा लें। ज़्यादा नहीं, 1500 से 2000 रुपये लगता है, कहीं भी आप कराओगे नॉर्मल मेडिकल 1000, 1200, 1500 मैक्सिमम। ऐसे बड़ा से बड़ा सिटी है तो 2000 लेगा, छोटा सिटी है तो 1500 में नॉर्मल मेडिकल कर देगा। आपको पता है नॉर्मल मेडिकल में आपका मैक्सिमम क्या क्या चेक होगा, चेस्ट होगा, ब्लड होगा, यूरिन होगा, ठीक है, ये तीन चीज़ें आप ब्लड प्रेशर वगैरह देखेंगे, ये तीन चार चीज़ें ही चेक होगा। अगर कोई कुक वगैरह में जा रहे हैं तो फिर एक दो और मेडिकल है वो होगा, तो आप नॉर्मल मेडिकल करा लें तो आपको पता चल जाए कि आप फिट हैं या नहीं है जाने के लिए। नौवां चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटेलिटी फिट होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आपने पासपोर्ट बनाया, वीज़ा रेडी किया, डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रिपेयर किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, पैसे आपने अपने लगाए, भी प्रिपेयर हो गए, सब चीज़ रेडी है आपका, अब मेडिकल फिट हो गए, चलो उसके बाद जो है आपको जुनून भी है जाने जाने का, जुनून भी हो गया। जो नवा जो है मेडिकल फिट का, कि मेंटेलिटी फिट यह है कि आप जब जाएंगे जहाँ पे तो वहाँ आपको बहुत तरह का लोग मिलेंगे। अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल दुबई जा रहे हैं या ओमान जा रहे हैं या गल्फ कंट्री या किसी भी एशिया कंट्री कहीं भी जा रहे हैं काम कर, तो आप जहाँ पे जाएंगे आपको वहाँ पे बहुत तरह के लोग मिलेंगे। अब बहुत तरह के लोग बहुत तरीके से परेशान करते हैं, खुद आपके काम करने वाले लोग आपको परेशान करेंगे, तो आपको मेंटेलिटी फिट होना चाहिए। मेंटेलिटी फिट का मतलब कि उनका कोई भी बात को, जो अच्छी बात है उसको सुनना है, रखना है, जो अच्छी बात नहीं उसको सुनकर निकाल देना। इसलिए ऊपर वाला हमें दो कान दिए हैं, एक कान सुन के जो अच्छी है तो उसको रखो, जो अच्छी नहीं है उसको निकाल के फेंक दो। दोनों कान का इस्तेमाल, मेंटेलिटी फिट इसी के लिए कह रहा हूँ मैं। मेंटेलिटी फिट कि भाई मैं जॉब करने आया हूँ, मुझे काम करना है। कोई जाने से पहले एग्जांपल के तौर पे, कोई जाने पर आप कंपनी में पहुँचे नहीं, कंपनी में तो अरे भाई कहाँ से हैं, हाँ ठीक क्या जॉब है, ये जॉब है, अकाउंटेंट के लिए आए हैं तो सुपरवाइजर के लिए आए हैं, तो मैनेजर के लिए, तो वर्कर हैं, तो कुक हैं, तो कुछ भी, अरे यार ये कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं 8 साल से, बहुत परेशान है, कंपनी पैसे नहीं देती है, टाइम पे काम नहीं, टाइम से ज़्यादा काम कराती है। सबसे पॉइंट बात, अगर आप वो बंदा 8 साल से काम करा फिर भी परेशान है, तो फिर 8 साल से क्यों काम कर रहा है, क्यों नहीं छोड़ा वो?
ये पॉइंट उसका देखिए। तो ये लोग इस तरह से बहकाते हैं आपको, दिमाग को के साथ खेलेंगे। कोई अगर आप उसमें क्रॉस कर गए वो पास करके, तो आपको काम की जगह पे परेशान करेंगे। ऑफिस में भी काम करने वाले लोगों को परेशान कर, जो हाई पोस्ट के मैनेजर होते हैं उनको भी लोग परेशान करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जूनियर हैं वर्कर लेबर वो ही परेशान होते हैं, उनको भी टॉर्चर किया जाता है, मेंटली टॉर्चर। कुछ काम बढ़ा देंगे या कुछ काम को उल्टा घुमा के बता देंगे, उसी काम को अलग तरीक़े से बता देंगे। जो वर्कर रहेगा उसको अलग परेशान करेंगे, उससे नहीं होगा तो उसके सुपरवाइजर से चुगली करेंगे, तो इस तरह का परेशानी होता है। तो इसमें मेंटली आपको फिट रहना है, आपको हमको काम करने जहाँ गए हैं वहाँ जम के रहना है और काम करना है। दूसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ये हार्ड वर्किंग। आप कोई भी प्रोफेशनल में, इवन आप वर्कर हो चाहे मैनेजर हो चाहे आप जो भी हो, आप हार्ड वर्किंग करेंगे ना तो आपके सीनियर के सामने आपकी इज्जत बना रहेगा। आपके लिए कितना भी कोई चुगली करे, कितना भी कोई आपको परेशान करे, लेकिन आपका हार्ड वर्किंग और आपका ऑनेस्टी जो रहेगा उस पर वो सब चीज़ को काट देगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी बाहर काम करता हूँ और बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और बहुत सारी कंट्रीज में काम की हैं और अभी भी बाहर काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में ही भी हो सकता है कहीं और कहीं किधर भी काम करूँगा या कुछ भी। तो मुझे एक्सपीरियंस है, ये अपना सेल्फ खुद का एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, कि आपका जो हार्ड वर्किंग है ना वो आपको पूरा सपोर्ट करेगा। चाहे आपको कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करेगा तब तक आपको नहीं हिला सकता, तो आपके अंदर हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 बातें आपको याद रखने हैं। और एक जो है पैशन, जो सबसे लास्ट आपको बता रहा हूँ मैं, पैशन। ये पैशन आपके अंदर रहेगा ना तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है आपकी मंजिल को छूने में। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, कोई चीज़ पाने का पैशन, कोई आपका टारगेट उस पर फोकस का पैशन। ये नहीं कि आप विदेश गए 2 साल में टॉर्चर हुआ, परेशान हो गए, ये हो गए तो हम छोड़ दिए। सब ये 10 बातें ना आपको पूरी, आपको लिशन है ये पूरी, ये 10 चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना तो आप इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आप सक्सेस हो जाएंगे। कभी भी आप फेलियर नहीं हो, 2 साल 3 साल में कोई वापस आ जाते हैं। मैं जानता हूँ मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं 2 साल 3 साल वापस आ जाने के बाद वो कमाया पैसा पूरा अपने घर में देते, खर्च हो जाता है, फिर उनको दोबारा प्रिपरेशन, दोबारा जाने के लिए नया से शुरू करना पड़ता है। तो नया से शुरू करने वाला नौबत मत रखिए, ऐसा रखिए कि एक कंपनी में काम किया, अच्छे से काम किया, अगर अच्छी कंपनी मिल गई तो उसमें जम के काम करके कुछ साल दीजिए और उसके अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैं इस बारे में भी, इस विषय में भी बात करूँगा कि अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है वही आपको सलाह दूंगा, जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटिव है मैं आपको वही सलाह दूंगा कि आप किस तरह से अपने आप को अपग्रेड करें। तो आने वाले दिनों में ऐसी वीडियोज़ आप तक लाता रहूँगा जिससे आपको मोटिवेशन मिले काम करने का, आपको अपनी ज़िंदगी के जंग में लड़ने का, आपको अपने परिवार के लिए कुछ करने का और आगे आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। आपको अगर कुछ भी मदद चाहिए, कुछ भी बात पूछना है, कुछ भी कांटेक्ट करना है तो ईमेल आईडी दिया, आप ईमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं जितना मुझे होगा। ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश आती हो तो आप तभी मेल करें, आपको हिंदी आती है आप हिंदी में टाइप करके, जैसे व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं उस तरह से मैसेज टाइप करके आप मेल कर सकते हैं मुझे। आने वाले दिनों में मैं स्काइप आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, तो जो पर्सनली बात करना चाहेगा, कुछ एडवाइस होगी, कुछ पूछना होगा तो मैं उनसे पर्सनली डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जरूर इस वीडियो को, उनको भी कुछ समझ में आ जाए कि दुनिया के माहौल के बारे में और ये 10 बातें के बारे में, जिससे वो अपना ज़िंदगी का मूल मानव बना लें, क्योंकि जो विदेश में जाना चाहेंगे उनको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 बातें। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।